नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती पर एनसीसी ग्रुप गोरखपुर द्वारा रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत के दिशा निर्देश में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडीजी जोन अखिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रतियोगिता को रवाना किया, जो कि महंत दिग्विजयनाथ पार्क में समाप्त हुआ। वहीं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव ने सभी एनसीसी कैडेट का उत्साहवर्धन किया, जिसके संबंध में महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि सरदार पटेल की जयंती पर उनके अतीत के संकल्पना को साकार रूप देने के लिए एकता की दौड़ के माध्यम से देश और समाज को समर्पित है। सभी धावक एनसीसी कैडेट सैयद मोदी रेलवे स्पोर्ट्स स्टेडियम में विश्वविद्यालय चौराहा छात्र संघ चौराहा होते हुए पैडलगंज के रास्ते नौका विहार के समीप महंत दिग्विजयनाथ पार्क पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत की एकता अखंडता के लिए जाना जाता है और यह सब सरदार पटेल के कारण संभव हो सका। अगर वो नहीं होते तो आज हमें भारत में ही घूमने के लिए पासपोर्ट और वीजा लेकर जाना पड़ता। इसलिए हम ये बात गर्व से कह सकते हैं कि सरदार पटेल अखंड भारत के निर्माता थे। वहीं कार्यक्रम के संयोजक एनसीसी के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत ने कहा कि मेरे सामने आकर ले रहे ये युवा ही भारत भविष्य के निर्माता है। मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। इस अवसर पर कर्नल बी के शर्मा, कर्नल नरेंद्र डागर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बी चंद, लेफ्टिनेंट कर्नल बी पी एस पटियाला प्रवर्तन अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल डी के सिंह, सूबेदार सुभाष गोधालकर सहित तमाम एनसीसी अधिकारी उपस्थित रहे। और आप सबको बधाई देता हूँ कि आप इस एकता में एकता यूनिटी फॉर रन पर पार्टिसिपेट करें। दाहिने मोड़, अब मैं ओके दौड़ से पहले थोड़ा एवं इस सभा स्थल पर उपस्थित हमारे सभी देश के भावी नागरिक एनसीसी के कैडेट्स, आप सभी को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आज हम सभी रन फॉर यूनिटी के लिए आप सबने 5 किलोमीटर की एक लंबी दौड़ लगाई, वो किसकी याद में लगाई ये अभी संचालक महोदय ने बहुत विस्तार से बताया। उस महापुरुष ने जिस तरह से देश की एकता को बनाने का, एकता को बनाए रखने का, बहुत अच्छे थे।
इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, रन फॉर यूनिटी जिस तरह से भारत के प्रथम गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है, उन्होंने जिस तरह से देश को पूरा एकीकृत किया, एक सूत्र में पिरोया, उसके जन्मदिवस के अवसर पर हम ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उसी के तहत आज एनसीसी का एक बृहद कार्यक्रम आपके समक्ष आयोजित है। और इस तरह से भारत को एक रखने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, तो ऐसे में एनसीसी के कैडेट्स भी अपना ये विचार आपके समक्ष रख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की को हम हृदय से नमन करते हैं और उनको याद करते हैं और उनको अपने जहन में रखेंगे, जिससे हम उनके पथ पर, उनके बताए रास्ते पर चल सकें और देश को सर्वोपरि रखें। धन्यवाद।